बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल देवगन बॉलीवुड के उमदा कलाकारों में से एक है जिनकी एक्टिंग से काफी लोग इफेक्टिव हैं, क्योंकि उन्होंने हर किरदार को बड़े पर्दे पर बहुत ही अच्छे से निभाया है, जिसके चलते करोड़ों लोग उनके दीवाने हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्म बाजीगर से अपने करियर की शुरुआत करने वाली काजोल देवगन का नाम बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शामिल हो चुका है जो कि सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहती हैं, और अपने बिजी शेड्यूल से भी टाइम निकाल कर वो अपने फैंस के लिए हर तरह के अपडेट को शेयर करती हैं। और यही वजह है कि काजोल देवगन की फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियों का हिस्सा अक्सर ही काजोल देवगन बनी रहती हैं। आपको बता दें कि करण जौहर ने होली से ठीक एक दिन पहले 17 मार्च 2022 को एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, क्योंकि इस दिन धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता का जन्मदिन था, और इस पार्टी में कटरीना कैफ, विकी कौशल, जानवी कपूर, कियारा आडवाणी, विजय देवगौड़ा के साथ साथ कई और सेलेब्स भी शामिल हुए थे, और इसमें काजोल देवगन भी शामिल हुई थी। हालांकि काजोल इस पार्टी में अकेली ही आई थी, लेकिन काजोल ने इस दौरान ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर बॉडी हगिंग ड्रेस पहनी थी, और उनके पैरों में गोल्डन हील्स लाइट मेकअप के साथ। वैसे तो काजोल काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उनका पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, जिसके चलते लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद काजोल तीसरी बार माँ बनने वाली हैं, और इसी बात पर लोगों ने उनके प्रेग्नेंट होने के भी अनुमान लगाने शुरू कर दिए। हालांकि ये खबर पूरी तरह से ट्रोलर्स की बदमाशी ही थी। और अगर बात करें काजोल देवगन के वर्क फ्रंट की, तो वो आखिरी बार डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर में दिखाई दी थी, और इस फिल्म में उनके साथ अजय देवगन, सैफ अली खान, नेहा शर्मा भी मुख्य किरदार में दिखाई दिए थे। लेकिन इन दिनों काजोल फिल्म द लास्ट हुर्री की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी हैं, जो कि जल्द ही सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट न्यूज, अपडेट और गॉसिप के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।